Uh, स्वामी जी अस्थाना जी सी एन बी सी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद uh, मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा कंपनी के बारे में रुचि सोया अगर एज अ कंपनी देखे और आपके जो प्लान्स है काफ़ी बिज़नेसेस पतंजलि से रुचि सोया में लाने के लिए आप अपना सही प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं मार्केट में जिससे आप पैरेलली खुद को कंपेयर कर सके आपके फाइनेंशियल्स आपका स्कोप आपका नेचर ऑफ बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर्स के हित के लिए किस कंपनी के पैरेलली आपको देखना चाहिए यस yes, जी हम पैरेलली किसी कंपनी का इतना बड़ा पोर्टफोलियो है नहीं पार्शली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं पार्शली हम एडिबल ऑयल में कंपेयर कर सकते हैं पार्शियली किसी कंपनी के साथ हम न्यूट्रास में कंपेयर कर सकते हैं पार्शियली हम कोई फूड या बिस्किट कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं पार्शियली हम गोदरेज के साथ अपना जो पाम प्लांटेशन है उसको कंपेयर कर सकते हैं वो भी पार्शियली मैंने इसलिए बोला कि हमारा विजन लाखों एकड़ जमीन के ऊपर पाम प्लांटेशन का है और वो विजन किसी कंपनी के पास है ही नहीं ना उतना साहस ना उतना नीचे कॉन्फिडेंस uh, ना उतना लोगों के साथ कनेक्टिविटी तो आप पार्शली किसी ब्रांड के साथ कंपेयर कर सकते हो uh, ये इनक्रेडिबल है जो द होल बिजनेस ऑफ रुचि सोया एंड पतंजलि इज इनक्रेडिबल और uh, इसमें एक तीन चीजें बड़ी गहरी है प्योरिटी अफोर्डेबल प्राइस और कुछ जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं गाय का घी है चाहे वो पतंजलि कुछ प्रीमियम बिस्किट्स भी हैं प्रीमियम ऑयल भी है, भी है, हमारे, तो और का एक है। आ, एफ पी ओ की स्वामी जी बात करें तो मुझे आप बताइए कि इस एफ पी ओ के द्वारा आप कितना इक्विटी रिलीज करेंगे मार्केट में उसके बाद प्रमोटर जो कि पतंजलि ग्रुप है उनका स्टेक कितना बच जाता है और सेबी के जो रेगुलेशन है पिछहत्तर परसेंट तक प्रमोटर का स्टेक लाने के लिए वो उससे कंप्लायंस उससे आपका रेगुलेशन से कंप्लायंस आप कब तक कर पाएंगे देखिए दिसंबर तक का उनका जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट बाजार में लिक्विडेट करने का डायरेक्शन है का कंपल्सन है इसमें अभी एक एक परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा बाजार में है और हम अभी सत्रह परसेंट अभी कर रहे हैं तो उसके बाद जो बच जाएगा छह परसेंट के आसपास Wo December karne ka plan With the use of the proceeds, where does your debt come down to? Uh, if you could help us understand that, so our total debt would come down to very minimal level because 80% of the debt we are retiring entirely from the existing book. Okay. So then it will remain to very minimal levels, and uh, that we will also retire in a couple of months' time. That's what over. would be the amount that would be left? So the amount would be left would be just about five six hundred crores, very okay. minimal. Okay. So, because rest of it is in working capital etc., which is getting used. DRSP plan में हमने उतना ही debt debt free as early as possible. Uh, that is one uh, part with the companies embarking. embarking. goal is. It will be a debt free company, which will help towards the profitability, and okay. again support towards the uh, you know the investors in our company. Correct. Uh, as Swamiji also mentioned, and of course you also spoke about that going ahead. Uh, there are a lot of dimensions which open up for you, different product categories, uh, which of course leads me to the understanding that there would be some sort of investment which will also go on uh, as far as those plans are concerned. Uh, considering a period of two years, what is the kind of investment which you foresee? How do you foresee yourself raising that money? What are the areas from which you could raise that money? so right now our plan is very clear uh, that uh, we do not have any major capital expenditure which is planned for next six months or even one year. Yeah. and i would say that even for two years, the company's current capacities that we have, we have got enough headroom to grow. Yeah. Uh, the current businesses that we have, the our requirement is largely towards the working capital and general corporate purposes. Yeah. so there is no major capex uh, envisaged at this point of time. however, okay. in case some good opportunity shows up, इन सिविल मंथ टाइम वी विल प्रॉबली लुक एट अपॉर्चुनिस्टिकलीफ यू नीड टू आइर एक्वायर अ कंपनी और नीड टू गेट इन टू अनादर बिजनेस और वर्क ऑन इट बट राइट नाउ दिस इज नथिंग ऑन द होराइजन विच वी कैन डिक्लेर दैट यस वील स्टार्ट वर्किंग ऑन डैट बट एज ऑफ करेंट प्लान दिस वेरी मिनिमल कैपेक्स विच इज गोइंग टू भी इन्वेस्टेड इन द कंपनी ना स्वामी जी एक काफी बड़ा जो बिजनेस इनिशिएटिव है वो है सर्टन सेक्शंस जो कि uh, पतंजलि के अंडर में आते हैं उन्हें ट्रांसफर करना रुचि सोया में uh, मुझे ये बताइए कि ये कौन से सेगमेंट्स रहेंगे जो रुचि सोया में लाए जाएंगे जो बैलेंस सेगमेंट्स है उनका भी आगे जाकर कोई प्लान है कि एक सिंगल लार्ज कंपनी हो जो फूड नॉन फूड दोनों में कैटर करे ऐसा कुछ आगे चल कर प्लान हो सकता है अभी सिंगल एक जो हमारा प्लान बोलो या प्रिंसिपल बोलो पॉलिसी बोलो विजन बोलो वो फूड पोर्टफोलियो को एक जगह लाने का है बाकी अभी कोई दूसरा प्लान हमने इनिशिएटिव नहीं दिया है अच्छा पतंजलि का नाम स्वामी जी एक हाउस होल्ड नेम है काफ़ी ब्रांड रिकग्निशन बहुत स्ट्रांग है और आप मुझे एक ये क्लैरिटी दीजिए कि अगर ये फूड्स बिजनेस आ जाता है एक तो इसकी टाइमलाइन क्या रहेगी कब तक आप ट्रांसफ़र करोगे दूसरा जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं क्या इनमें जॉइंट ब्रांडिंग होगा रुचि सोया और पतंजलि का और अगर वो होता है तो किसी तरह की फीस दी जाएगी क्योंकि आपका ब्रांड रिकग्निशन जो है वो यूज़ किया जाएगा देखिए ब्रांड बहुत मतलब हम ये सारा जो बिजनेस ट्रांसफर की बात है या ब्रांड इक्विटी जो है उसको यूज कर रहे हैं ऋचि से या जो भी एक अलग प्रकार का ब्रांड का अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है तो ये विशुद्ध रूप से इसमें कोई इफ बाट कुछ नहीं है कोई इसके अंदर हिडन एजेंडा नहीं है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स का फायदा जिसमें होगा वो काम हम करेंगे चाहे वो ब्रांड इक्विटी की बात है बिजनेस ट्रांसफर की बात है योर मार्जिन लेटेस्ट फाइलिंग द फर्स्ट मंथस फॉर अराउंड नाउ विदर्ड ऑफ हेडविन्स कमिंग इन टू दिक्चर बीट ऑन द वीट रॉ मटेरियल साइड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन द ऑयल साइड डू यू सी दीज मार्जिन गेटिंग अ लिटल सरप्राइज एटलीस्ट टाइम दर इज मोर क्लैरिटी एंड प्राइजेस स्टेबिलाईज so uh, wheat per se will not have a large impact because that's a very small part of the overall company's portfolio for uh, biscuits is large uh, since the, the biscuits vertical would also come in it is already coming so yeah, biscuits exactly. are already part of our portfolio yeah, yeah. but the value of biscuits in the overall if i were to look at the company itself is very minuscule so that will not be a problem the oil prices are volatile and uh, you know we are working on uh, risk management part of it that how do we secure our supplies how do you work on long-term contracts? but most important for us is, yes, she about uh, ensuring that uh, the consumer should not be deprived of getting the oil at the right time. Good. and uh, that is something that we are working quite actively on to make sure that uh, you know the edible oils are uh, being made available. supply security has to be maintained most critical. Uh, since the brand is at a stage where a lot of expansion is happening, a lot of new categories getting added, uh, distribution will be, of course, a very important uh, way to get it to customers uh, how would the cross selling work uh, what are the new store openings that you're looking at in the next one year to really drive these new brands new portfolios uh, ahead if you can explain the plan here abhi kare 5000 stores <laughs> hamare already khule hue hain aage 10000 store aur kholne ka plan hai aur us par sare nutraceutical to sare milte hain biscuit bhi wahan sab milte hain और आगे हम रूरल में ज्यादा फोकस कर रहे हैं और पता रुचिसरा का भी डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने उस पर ही फोकस किया और ब्रांडेड ही 80 परसेंट प्लस ब्रांडेड है हमारा ब्रांडेड हम ऑयल है नहीं तो ट्रक के आपको तो पता तेल कैसे बिकता है एक वायदा वा, बाजार वाला कार्यक्रम के हम ब्रांडेड भी और ब्रांड वैल्यू मिलती है और हमने कोई क्वालिटी पैरामीटर इतना स्ट्रॉन्ग रखे हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा फोकस करें हम लोग वॉट विल बी द टारगेट एज फार एज रुचि से एज कंसर्न इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज योर एस्पिरेशनल टारगेट ऑल्सो ऑन द मार्जिन फ्रंट हाउ मच डू यू थिंक इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू अचीव हमारे टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग की जो तो स्टाइल है उसका मकसद किसी को स्ट्रेस में डालना नहीं है किसी को नीचे गिराना नहीं है हम जो कर सकते उसको क्यों ना करें अचीव और आपने देखा हमने बारह हजार करोड़ से कंपनी को कहाँ उठा के रख दिया है अभी मार्च तक के भी जब आप रिजल्ट देखेंगे तब अप्रतिम होगा इनक्रेडिबल और जो उसके लिए मेहनत लगती है वो मेहनत हमारे सब लोग करते हैं इसलिए जब आप मैंने कहा ना उसको यदि परसेंटेज में कहें तो जैसे हमने पतंजलि को जब एक लेवल पर लेकर के आए तो 100% परसेंट की ग्रोथ से हम उसको लेकर के आए थे और वो सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका ऑलरेडी दो सालों में और भी आगे इसको जितना मैक्सिमम लेवल पर ले जा सकते उतना लेके जाएंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी में एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल मार्केट साइज जो है वो उसमें हमारी हमारा शेयर होगा